यह कहानी अनाथ कुओं की है। वह बहुत मेहनत करती है और उसकी माँ बाप कोई नहीं है। कुओं का अपना कोई नहीं होने के कारण वह किसी गांव या फिर किसी शहर में नहीं बल्कि जंगल में रहती थी और उसकी दोस्त चिड़िया जंगल की जानवर होती थी। गांव के किसान रोज जंगल जाते और बहुत सारा लकड़ियाँ काटते और अपने गांव लेकर उसी से अपना रोजी रोटी चलाते। बहुत सारे पेड़ काटने के वजह से और अपने घर ले जाने के वजह से जंगल के सारे पेड़ ख़त्म हो रहे थे। एक दिन कुहो बाजार जा रही थी बैलून बेचने, तभी एक बुढ़िया कुहो से बोलती है गुस्से में, ए बच्ची डरे मत आना, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा दिख जाता है तो मेरा दिन खराब हो जाता है। बुढ़ी अम्मा की कटु आवाज़ सुनकर कुहू बहुत रोती है। अपने गुफा के पास आकर उड़ते उड़ते एक चिड़िया कुहू की आवाज़ से रुक जाती। क्या हुआ कुहू, तुम बहुत रो रही हो, आखिर क्यों? कुहू कुछ तो हुआ होगा और तुम्हारी गुफा के बाहर कोई चूल्हा भी नहीं जल रहा है। कुहू चिड़िया के नजदीक जाती है और बोलती है चिड़िया से, मुझे इंसानों ने मना किया है गुब्बारा बेचने से। चिड़िया रानी, मैं सोच रही थी कि मैं बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत अमीर बन जाऊंगी और गरीबों का मदद करूंगी, सहायता करूंगी। हम लोगों को बेफिक्र होके बैठ के नहीं रहना चाहिए, हम लोग को आवाज उठाना चाहिए, लेकिन हमारी आवाज कौन समझेगा, कोई ऐसा इंसान चाहिए। चिड़िया की मदद से कुहू का भोजन तो बन जाता है, लेकिन कुहू बहुत खुश होती है और चिड़िया को धन्यवाद देती है और बोलती है चिड़िया से, चिड़िया बहन अगर तुम नहीं होती तो मैं भूखी मर जाती। मैं 4-5 दिन से भूखी हूँ, मैं कुछ नहीं खाई हूँ, अब जाके मेरा पेट भरेगा। किसान द्वारा काटे गए पेड़ के कारण जंगल के जानवर में हलचल मच जाती है और सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, यह समय हमारे लड़ने झगड़ने का नहीं है, एकता का समय है। हमारे जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों, हम जंगल वासियों के लिए बहुत मुसीबत आन पड़ी है, हम लोगों को साथ में रह के कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों को कोई ऐसा चाहिए जो हमारे लिए लड़ सके इंसानों से, तो कोई है? तलाश करो दोस्तों। बहुत आश्चर्य की बात है जी, वह लड़की को अब मैं देख नहीं रही हूँ जो छोटी सी है गुब्बारा बेचने आती थी, आखिर आप कहीं देखे हैं बताओ। अरे माला, तुम भी किस किस बात को लेकर बैठ जाती है, सब गरीब होते हैं ये सब, हम लोग भी गरीब हैं, हम लोग भी जंगल की लकड़ियाँ बेच कर खा रहे हैं ना, वो भी खा रही होगी। लोमड़ी अपनी गुफा में सोच ही रही थी कि जंगल को कैसे बचाया जाएगा और वह देखती है एक चिड़िया उसकी गुफा की ओर से गुजरती है, झट से वो बाहर निकल जाती। ओ चिड़िया, रुक जा, तुम उस दिन क्यों नहीं आई थी, सारे पशु पक्षी आए थे, तुम नहीं थी क्यों? अरे लोमड़ी दीदी, मैं एक इंसानी बच्चे की मदद कर रही थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे का नाम कुहू है, उसके माँ बाप नहीं होने के कारण उसे इंसानों ने गांव से बाहर निकाल दिया। वो जो पास वाली गुफा है ना, वो वही रहती है कुहू। ओ नन्ही चिड़िया, मुझे भी मिलाओ अपनी कुहू से, मुझे भी बातें करनी है। कुहू भूखी होने के कारण वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और अपना पेट भरने लगती है और उधर लोमड़ी कुहू के बारे में पूछताछ कर रही है। अच्छी, मैं आपको बहुत दिन से एक बात कहना चाहती हूँ, अब गुस्सा ना हो इसलिए नहीं बोली, हमारे वैसे भी कोई संतान नहीं है, तो क्या गुब्बारे बेचने वाली लड़की को हम गोद ले सकते हैं जी, बताइए। एकदम पागल हो गई हो क्या तुम? अरे हमारे संतान होते तो हम उसे क्या खिलाते क्या पिलाते, अब तुम राह चलते बच्चों को बोल रही है गोद लेने, अकल ठिकाने आ जाएगा, 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो चुपचाप रह। नमस्ते गुहू बेटा, कैसे हो तुम? और ये सारा सब्जी कौन दिया तुम्हें? बताओ, मैं तुम्हारी सबसे खास वाली मित्र बनूंगी। गुहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, क्योंकि अब तुम भी जंगल वासी हो, तुम तो कोई गांव में या तो शहर में रहते।
बेटी नहीं हो, हम जानवर है कुहू। हमारी भाषा कोई इंसान नहीं समझ पाता है और सारे इंसान मिलकर सारा जंगल का पेड़ खत्म कर दे रहे हैं। सारा पेड़ खत्म हो जाएगा, सारा जंगल ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तुम इंसान हो कुहू और इंसान की भाषा भी समझती हो तुम, तुम्हें मदद करना होगा कुहू। हम जानवरों का तुम्हें मदद करना होगा, तुम्हें हमारी आवाज इंसानों तक पहुंचाना होगा कुहू। और इसके बदले तुम्हें जंगल की रानी बनाया जाएगा, तुम पूरे जंगल की रानी होगी कुहू। बताओ हाँ या ना, जवाब दो कुहू। मैं जंगल की रानी बनूं या ना बनूं ये तो बात की बात है, लेकिन मैं आप लोग की मदद करूंगी। मेरे जंगल की मदद करना होगा मुझे। अरे छोटी चिड़िया बहन, एक बात बताओ मुझे कि इंसान ही अब हम लोग को इंसान से बचाएंगे। हे भगवान, मैं जब किसी का मुंह से यह सुना कि हमारे जंगल की बचाव एक छोटी सी इंसानी बच्ची करेगी, मैं तो खूब हंसा। आखिर वो भी तो इंसान के ही खून के है, पता नहीं कब बदल जाए और इंसानों की तरफ हो जाए, फिर हमारा क्या होगा। अपनी बात पहुंचाने के लिए कुहू और लोमड़ी इंसानी बस्ती जाते हैं जहां पे समाचार छपते हैं। ब्लू भैया, आपको क्या लगता है कि कुहू इंसानों तक हमारी बात पहुंचा पाएगी या नहीं? मुझे तो बहुत चिंता हो रहा है कुहू को लेके। शहर पहुंच जाते हैं और बहुत सारे मीडिया वाले के पास खड़े हो जाते हैं और अपनी जंगल वाली बात रखते हैं। मैं कुहू हूं और मैं अनाथ हूं और मैं जंगल में रहती हूं, इस कारण मेरे जंगल के सारे पशु पक्षी और जानवर सब मेरे मित्र हैं। जंगल के सारे पेड़ कटाई की वजह से सारे जानवर पशु पक्षी विचलित हैं। आखिर वो कहां जाएंगे, क्या खाएंगे? जंगल खत्म हो जाएगी तो मेरा भारत सरकार से यह निवेदन है कि जल्द से जल्द जंगल के पेड़ कटाई को रोकथाम कराए, कृपया करके। मित्रों, साथियों एवं मेरे दोस्तों, अभी अभी सरकार के बड़ा फैसला, जंगल काटते वक्त कोई भी इंसान को पकड़े जाने पे करोड़ों रुपया की जुर्माना हो सकती है, तो साथियों बच के। समाचार देखी पागल औरत, जिस बच्ची को तुम गोद लेना चाहती थी आज वही हमारा पेट में लात मारी है। अब जंगल का पेड़ नहीं काटेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? तुम खुद सोचो क्या होगा हमारा। अजी, जरूरत थोड़ी है कि हम जंगल का पेड़ ही काट कर बेचे, किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाना गलत बात है। हम कुछ और बेचेंगे, फल फूल सब्जियाँ, ये सारी चीज में पैसा ही आते हैं। जंगल के सारे पशु और पक्षी कुहू के बात मानते हैं क्योंकि जंगल की रानी अब कुहू है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट भी करना। बाय बाय।